स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, तो वो इक्विलिब्रियम है। जैसे मान लो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, एक्सटर्नल, ये चार्ज है, इस चार्ज पे फोर्स लगेगी क्यू ई टूवर्ड्स राइट, इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगी उल्टी तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, लास्ट टाइम किया था, क्यू ई टूवर्ड्स लेफ्ट। नेट फोर्स इन्हें कैंसिल करके आंसर क्या आएगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। उसी तरीके से यहां से देखें, यहां पे मैंने डायपोल को उल्टा रखा हुआ है, प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस, उल्टा रख दिया। इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल ऐसे लगा हुआ है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज फोर्स कहां एक्सपीरियंस करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्यों, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर देगा, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और उसी तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज यहां फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितनी, क्यूई। नेट फोर्स इसमें भी क्या आ गई, जीरो। तो ये भी इक्विलिब्रियम है और ये भी इक्विलिब्रियम है, दोनों इक्विलिब्रियम है, कोई डाउट इसमें? तो दोनों में नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो इसका मतलब अगर इसको ना छेड़ा जाए सिस्टम को, तो दोनों केस में डायपोल किस पे पड़ा रहेगा, एट रेस्ट, नहीं हिलेगा। अब फिर स्टेबल अनस्टेबल क्या होता है, स्टेबल अनस्टेबल में ही होता है कि अगर आपने इसको हिला दिया, मान लो आपने इसको रोटेट कर भी दिया, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, माइनस क्यू ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और अल्टीमेटली ये यहीं आके रुक जाएगा, क्योंकि टॉर्क जनरेट होगा और अल्टीमेटली डायपोल ऐसे आके रुकेगा, तो जहां पे ये ओरिजिनल था वहीं पर वापस आ जाएगा। अगर आपने इसको घुमा भी दिया तो वहीं पर वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी बात करो, अगर आपने इसको हल्का सा भी हिला दिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, प्लस से माइनस। अब सोचो ये माइनस क्यू माइनस क्या करेगा, इसे रिपेल, और प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। तो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, और अल्टीमेटली ये पलट के उल्टा लेटेगा, मींस टिका के ऐसे रखा हुआ था, जब ऐसे किया तो ये फोर्सेस को उल्टा घुमा के वापस यहीं पे ले आएंगे। तो एक पॉइंट नोट करने वाली है, शुरू में दोनों पे नेट फोर्स जीरो थी, आप ना टच करते ये ऐसे ही पड़ा रहता, तो इक्विलिब्रियम तो दोनों में है। फर्क ये है कि अगर आपने इसको डिस्टर्ब किया तो ये ओरिजिनल पॉइंट पर वापस आ जाएगा, और अगर उसको डिस्टर्ब किया तो इस सिचुएशन में वापस आ जाएगा, उसमें कभी नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर कोई बॉडी वापस रीगेन करके उसी स्टेट में वापस आ जाए इक्विलिब्रियम में, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और जो वापस ना आए, टेम्पररी इक्विलिब्रियम था, हिलाने पे वापस नहीं आई, वो स्टेबल हो गई, इस सिचुएशन में वापस आ गई, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो अगर वापस आ जाती है तो स्टेबल, नहीं आती तो अनस्टेबल। क्लियर है? क्वेश्चन आएगा जो सीबीएसई में क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये पेपर में दो तीन बार तो आया हुआ ऑब्जेक्टिव के अंदर, प्रीवियस ईयर में देख लेना, कि ये बताओ जब एक डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, व्हाट इज एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, ई वेक्टर का है राइट, पी वेक्टर का है राइट, तो पी वेक्टर और ई वेक्टर में एंगल क्या बना, जीरो, ये याद रखना है। और अनस्टेबल में, अनस्टेबल में पी वेक्टर का है उल्टा मेरी तरफ, ये देखो माइनस से प्लस, और ई वेक्टर का है राइट, तो पी और ई में एंगल क्या बनेगा, 180। ये नोट करें, स्टेबल में एंगल पी वेक्टर ई वेक्टर में जीरो, अनस्टेबल में पी वेक्टर ई वेक्टर में एंगल 180। इंपॉर्टेंट, नोट करें इसे।